हम अपने कैमरामैन से कहेंगे, यहाँ जो इनका जो आश्रम है आप देख सकते हो, यहाँ पर कितने लाखों की संख्या, हजारों की संख्या में यहाँ इनके जो श्रद्धालु लोग यहाँ सत्संग सुनने के लिए भंडारे में भी आए हुए हैं। और उन्हीं में से हम उन्हीं के बीच में से हम किसी न किसी से जानकारी ले लेते हैं कि वो किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज सर में जुड़े और वो यहाँ पर क्यों आए। ले चलते थे साथ में, देखते हैं यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से उनको जानकारी प्राप्त हुई, उनसे ले चलते हैं आपको उनके साथ में ही। यहाँ काफ़ी भीड़ लगी हुई है और हम इन्हीं इसी बीच में यहाँ कुछ सज्जन बैठे हुए हैं, उनसे पूछते हैं, सर आप कहाँ से आए हो, क्या नाम है आपका? मैं यूपी सहारनपुर से आया हूँ, मेरा नाम नरेश दास है। आप सहारनपुर से आए, आपको कैसे जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ पर ये प्रकट दिवस मनाया जा रहा है? सर मैं 2014 से इधर संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी हूँ। आप इनके श्रद्धालु हैं तो डेफिनेटली आपको मालूम होगा, आप यहाँ पे जो भी है प्रोग्राम आप लोगों का है आप कर रहे हो, तो ये किसके उपलक्ष्य में आज यहाँ हो रहा है? आज ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब के उपलक्ष्य में उनके जन्म उत्सव में प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। आप बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज से 2014 में आप जुड़े हों, इससे पहले आप किसकी भक्ति साधना करते थे? सर मैं 1984 से राधा स्वामी सत्संग व्यास गुरविंदर सिंह से नाम उपदेश, ये महाराज चरण सिंह से नाम उपदेशी था। ये तो बहुत ताज्जुब की बात है कि सन 1984 जब तक हमारे जन्म भी नहीं हुए थे उससे पहले राधा स्वामी की आप भक्ति कर रहे थे और सन 2014 में आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हो जी। तो आपने 28 वर्ष से आप उनकी भक्ति साधना कर रहे थे और आप उन गुरु को छोड़ा है, ऐसा क्या कर रहा कि आप उनको छोड़ना पड़ा? सर वहाँ शास्त्र अनुकूल भक्ति नहीं थी, वहाँ की जो साधना थी, वहाँ की जो मंत्र जाप थे वो केवल एक ही भगवान के थे। तो सर आप 28 साल आपने इतना लंबा सफ़र कर लिया, आपने देश मतलब 28 साल में तो आदमी बहुत आगे निकल जाता है, वहाँ से बैकअप मार दिया आपने, ऐसे कैसे कर दिया? सर ये जो हमारी भक्ति है संत रामपाल महाराज के अनुसार ये शास्त्र अनुकूल साधना है, ये 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण गीताजी कुरान शरीफ बाइबिल गुरु ग्रंथ साहिब सभी हमारे पवित्र धर्मों पर आधारित है। ऐसा तो नहीं है कि आपका माइंड वॉश कर दिया गया वो संत रामपाल जी महाराज द्वारा? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो ऐसा लगा कि पैसे आपको मिले हो आपने ऐसा? नहीं सर हमें कोई पैसा नहीं मिला, हमारा माइंड वॉश तो राधा स्वामी सत्संग व्यास में था। नहीं 28 साल से आप भक्ति वहाँ कर रहे थे, आप यहाँ पैसे लेके आप आ गए हो यहाँ पर? उसका भी एक कारण है, मैं आपको बता देता हूँ। आप बताइए, हमारी संघ का समाधान कीजिए आप। ठीक है सर। सर 1984 में मैं अपनी माँ के साथ संत महाराज चरण सिंह से नाम उपदेश लिया। सर मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि वहाँ पर 1984 में महाराज चरण सिंह जोड़े में नाम दाम देते थे, लेकिन दास के ऊपर दया की और मैं सिंगल उस समय कक्षा 10 का छात्र था और मुझे नाम उपदेश मिला। नाम उपदेश मिलने के साथ साथ मेरे जीजाजी वहाँ जत्थेदार थे, मैं उनके साथ जत्थे लेकर जाता था। उसके बाद दास को वहाँ प्रमोशन हुआ और मुझे वहाँ सिक्योरिटी इंचार्ज बनाया गया। दास 0301 गेट नंबर 7 का सिक्योरिटी इंचार्ज था। दास ने वहाँ पर अनेक भक्तों के पर्दे पास्ट किए, जैसे बिल्कुल नया जोड़ा आया था वहाँ फोन ले जाना अलाउ नहीं है, और दास ने उनके टिफिन से उनके खाने में से मोबाइल फ़ोन निकाले। दास ने नया जोड़ा आया उनके पास एक बच्चा था, वो उस रेड़े से मैं लिटाए ले जा रहे थे, दास अपनी टेबल पे बैठा हुआ था, इधर भी फ़ोन था इधर भी फ़ोन लगा हुआ था। तो दास उठ के आया वहाँ से और उठ के आने के बाद उन्होंने कहा भाई बच्चा बड़ा प्यारा, अगर आपको मेरी बात का बुरा ना लगा आपके बच्चे को गोद ले लूँ? उन्होंने कहा आप ले सकते हैं इसे गोद। मैंने बच्चे को जैसे ही उठाया, वो सोच रहे थे ये कपड़े से ही तो उठाएगा बच्चे को, मुझे कपड़े से कोई मतलब नहीं था। मैंने जैसे ही बच्चे को उठाया तो उस बच्चे के नीचे से 2 मोबाइल फ़ोन निकले सर। इन सारी बातों को देख कर उन्होंने हमें सिक्योरिटी इंचार्ज बनाया और उस वहाँ सिक्योरिटी इंचार्ज, पहले मैं सेवादार था सिक्योरिटी इंचार्ज के बाद फिर मुझे उन्होंने फैसिलिटी देनी शुरू कर दी। सर थोड़ा बीच में रोकना चाहेंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहाँ जो आपको पद मिलते थे उन पदों के चक्कर में ही आप यहाँ पद लेने आए हों? नहीं सर मैं यहाँ अपने शरीर के मोक्ष के लिए आया हूँ। तो आपने वहाँ 28 साल आपने पद संभाला, भक्ति नहीं की आपने वहाँ? सर भक्ति जो की वो उसका बाद में ज्ञान हुआ, जब दास को पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की किताब मिली ज्ञान गंगा, ज्ञान गंगा को पढ़ने के पश्चात पृथ्वी हिल जाती है, उस व्यक्ति की आत्मा कांपने लगती है जो ज्ञान गंगा को पढ़ लेता है, उसे ज्ञान हो जाता है कि तुम पहले कहाँ थे अब कहाँ हो, उसे पूरी जानकारी हो जाती है कि तुम संसार में किस चीज़ के लिए आए हो। आपने उस पुस्तक का अध्ययन किया क्या? हाँ सर मैंने उस पुस्तक का अध्ययन किया, मैंने उसे पढ़ा। तो उस पुस्तक में आपको क्या मिला?
उस पुस्तक में चार वेद, छः शास्त्र, 18 पुराण, गीता जी, कुरान शरीफ, बाइबिल, गुरु ग्रंथ साहिब, सभी प्रमाणित हमारे धर्म ग्रंथों पर आधारित उस परमात्मा की जानकारी है जो सारे ब्रह्मांड को चलाता है। तो आपको संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? सर, लाभों की तो बहुत सारी गिनती है, सुबह से बताने लगूँ शाम से अगला सुबह हो जाएगी। हम जानना चाह रहे हैं कि अपने दर्शकों को दिखाना चाह रहे हैं कि आपको क्या लाभ प्राप्त हुए। सब लाभ तो बहुत सारे हुए। लाभ तो सबसे शुरू में यह है कि दास को मोक्ष मिला, दास का पूरा परिवार जुड़ा मोक्ष पथ पर। दास एक बिल्कुल बिल्कुल कताई ठहरते इस दास के जीवन में लाभ है। दास 2014 में जुड़ा, दास ने फाइल डाली हुई थी बीएससी अधिकारी के यहाँ, पब्लिक जूनियर हाई स्कूल है हमारा मुजफ्फराबाद में, उसकी मान्यता के लिए फाइल डाल रखी थी। और दास को पता नहीं था कि इस क्लर्क का 1 जुलाई को इसका रिटायरमेंट है और 12 जून को दास को यहाँ नाम मिल रहा, सिर्फ 1 महीना बच रहा। मैंने कहा परमात्मा को, परमात्मा दास की फाइल फंसी हुई है और क्या नाम जो है क्लर्क का भी रिटायरमेंट 1 तारीख को होना है, आप ही दया करो। परमात्मा ने ऐसी दया करी दास के ऊपर, जैसे ही भंडारे से वापस गया प्रकट दिवस से, जाके देखा घर पर के किवाड़ के नीचे को लेटर पड़ा है। दास ने लेटर खोला और छाती भर आई, हे मेरे मालिक, तूने वो काम कर दिया जो आज तक किसी ने नहीं किया, तूने वो दिखा दिया नजारा जो कभी नहीं हो सकता। 1 महीने के अंदर अंदर दास की जूनियर हाई स्कूल की मान्यता हो गई, नहीं तो उसके लिए पता नहीं कितने वर्षों तक चक्कर काटने पड़ते हैं। आप वहाँ 28 सालों से भक्ति कर रहे थे, उस भक्ति से आपको फल क्लियर नहीं हुई आपकी? भगत जी, वो भक्ति करने लायक नहीं है, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। तो आपके जो संगी साथी आज भी फंसे हुए कई सालों से, उनको कैसे निकालोगे आप? भैया, उनके लिए मैं हाथ जोड़कर यही उन्हें दिशा निर्देश करता हूँ कि भाई जितनी जल्दी हो सके, ये दलदल दो तरीके की होती हैं। एक दलदल होती है राजनीति, राजनीति में जितना आगे बढ़ो उतना धसो। दूसरी दलदल होती है आध्यात्मिक, आध्यात्मिक दलदल वह होती है जो सच्ची और पक्की होती है, उसमें आप जितने आगे जाएंगे उतना ही आप अमर रस लेंगे। तो राधा स्वामी वाले ऐसे कौन से मंत्र देते हैं जिससे लोगों को लाभ नहीं मिल रहे हैं? राधा स्वामी जो निरंजन ओंकार रारंकार सोहं सतनाम, वो पांचों मंत्र एक ही देव के हैं और वो काल भगवान है। तो लेकर राधा स्वामी वालों के मैंने काफ़ी इंटरव्यू लिए, लेकर वो तो मानो तैयार नहीं होते? वो नहीं मान रहे, उन्हें भी सच्चाई का पता नहीं चला। जिस दिन उन्हें सच्चाई का पता चलेगा उस दिन तक बहुत सारा समय निकल जाएगा। तो कहीं ऐसा बहुत से लोगों तो अपने जान भी गंवा चुके हैं, उनका समय भी पूरा हो गया है। भगत जी देखो, ये जो पूर्ण परमात्मा प्रति पाए हुए हैं, इसके लिए समय निर्धारित किया हुआ था, इसके लिए हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। आपने पहचान कैसे कर ली फिर इनकी? धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है हमारे कबीर सागर में, 5505 तब मेरा वचन होगा साचा। ये पूर्ण परमात्मा की वाणी है, ये पूर्ण परमात्मा के द्वारा लिखी हुई वाणी है। तो आप इनको पूर्ण संत कैसे ठहरा सकते हो? सर, पूर्ण संत वही होता है जो गीता अध्याय 15 के 1-4 और 16-17 में एक श्लोक है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है पात्र रूप संसार। जो एक अक्षर रूपी पेड़ के सारे भागों को सहवेदवीत बता देगा वही पूर्ण संत है। सर, आपसे मिलकर हमें काफ़ी खुशी और हमारे दर्शकों को बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब भी उनको मिले जो बहुत सारे राधा स्वामी अन्य संतों से जुड़े हुए थे। और हम जानना चाहेंगे ऐसा और क्या लाभ आपको प्राप्त होगा, स्पेशली जो हमारे दर्शक सुनकर वो भी प्राप्त हो सकें? सर, मैं बताता हूँ, हम ट्रैक्टर चला रहे थे खेत में, नाम उपदेश लेने के बाद मेरा बच्चा नहीं जुड़ा था, बड़े वाला जुड़ तो गया था लेकिन 2014 में जो लीला हुई थी उसने छोड़ दिया था नाम। तो हम खेत में ट्रैक्टर चला रहे थे, दास के पास परमात्मा ने एक छोटा सा ट्रैक्टर दिया हुआ आज सर, हम करहा मार रहे थे अपने खेत में। तो बच्चा जैसे ही करहा भर कर ट्रैक्टर का लेकर आया और ट्रैक्टर पलटने लगा, यानी कि एक साइड उसकी उठ गई। मैंने उसे कहा अंकुर नीचे कूदो जल्दी से। वो लड़का नीचे कूदा ट्रैक्टर से, परमात्मा ने इतना दया करी कि बच्चा नीचे कूद गया। नीचे कूद कर उसने फिर फोन से उस ट्रैक्टर की पलटते हुए की वीडियो बनाई, उसके बाद ट्रैक्टर नीचे पलटा। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं। मैंने भी आपका वीडियो देखा था जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, इस चीज को हम भी जान सकते हैं क्योंकि हम मीडिया चलाते रहते हैं, देखते रहते हैं। एक वीडियो ऐसा वायरल हुआ था, उस वीडियो को बता सकते हैं। आपसे मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई और धन्यवाद आपको।
इसी कड़ी में आगे हम आपको ले चलते हैं। यहाँ हमारे साथ बहुत सारी भीड़ लगी हुई है और यहाँ लोग बैठे हुए हैं। इसी कड़ी में हम आपको नेक्स्ट हम ऐसे शख्स के साथ और मिलाएंगे जो वाकई में संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। हम उन्हीं लोगों को आपसे मिलाना चाह रहा है, दिखाना चाह रहा है। मैं अच्छे लाल दास, जौनपुर जिला और मछलीशहर तहसील ग्राम चौबेपुर से भगत जी प्रोडक्शन के माध्यम चैनल के माध्यम से बोलना ये चाहता हूँ। जो भी बात बोलूँगा एकदम सत्य बोलूँगा, एक भी बात गलत नहीं बोलूँगा और ये बात एकदम राइट सत्य है। जो भी बोलूँगा एकदम सत्य समझना। अगर किसी भगत को शंका है समाधान है तो हमसे मिल सकता है, भगत जी के चैनल के माध्यम से मिल सकता है। और ये दास सदा आपको भ्रम दूर करने के लिए सदा आपके साथ खड़ा है।